अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एहसन फारूक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और कल का दिन हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है कल कमाया, और मगर इस चीज़ का अफसोस भी है कि काफ़ी लोगों के कल अकाउंट उड़े। उसकी मेन वजह ये है कि लोग मार्केट से ज़िद लगा लेते हैं। होता क्या है कि मार्केट पे ट्रेड लगाते हैं, कहीं गलती से मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाए तो वो जिद लगा के बैठ जाते हैं कि मैंने नुकसान में ट्रेड नहीं काटनी, ये ट्रेड प्रॉफिट में कटेगी। बैक टू बैक ट्रेड लगाते रहते हैं और एट द एंड उनका अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आप लोगों ने देखा होगा, मैं इसमें आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से आपने अपने लॉस ट्रेड को प्रॉफिट में लेके आने। जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमने सबसे पहले सेल का जो है सेल किया था, उसी के साथ साथ बाय का भी हमने ऑर्डर दिया था। सेल हमने किया था 0.30 से। और जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि मार्केट किसी की भी नहीं है, ठीक है, आप गलत भी हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिद लगा लें और बैठे रहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। तो हमने बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, 0.30 से सेल किया था हमने, और 0.50 से या 60 से मुझे याद नहीं, हमने 1750 पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, और इसका टेक प्रॉफिट 165 था, 1765 था, और जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ। और इंशाल्लाह लाइव वीडियोस का आगाज़ भी जल्द हो जाएगा। अभी हमारी वीडियोस पे जो है माशाल्लाह 600-700 व्यूज़ आ रहे हैं। जिस दिन ये एवरेज जो है 1000+ व्यूज़ की आने लग गई हमारे पास, उसी के कुछ ही मीन्स के एक दो दिनों में ही हम लाइव वीडियोस का आगाज़ कर देंगे। लाइव वीडियोस में होगा क्या कि हम रोज़ का एक टारगेट बनाएंगे, जैसे 50 पिप्स 60 पिप्स, और वो लाइव मार्केट में हम जो है 3-4 घंटे जो है जितना भी हुआ जब तक टारगेट नहीं बनता, लाइव मार्केट में हम सारे मिलके एक साथ जो है ट्रेड करेंगे। मगर उसके लिए जो है हज़ार प्लस व्यूज़ जो है हमें चाहिए, जो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस वीडियोस को आप जो है शेयर करेंगे अपने हलका अहबाब में। 1 सेकंड भी नहीं लगता, नीचे शेयर का बटन है वो दबाएं, फेसबुक पे डब से शेयर हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा लोग मेरे से मेरे सिस्टम के हवाले से पूछ रहे थे कि जो स्टॉप लॉस सिस्टम है वो क्या है, कैसे काम करता है। मैं उसके लिए जो है एक इंशाल्लाह प्रॉपर एक वीडियो भी बना लेता हूँ। मैं उस सिस्टम को यहाँ पब्लिकली जो है वो नहीं मैं अपलोड कर सकता, क्योंकि मुझ पे भी जाहिर है कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ जो रिसोर्सेज उस सिस्टम के लिए मुझे लेने पड़ते हैं, वहाँ से मुझे भी इजाज़त नहीं है कि मैं इस तरह खुल्लम खुल्ला जो है उसको अपलोड करूँ। मगर मैं लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, किसी चीज़ का कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं माशाल्लाह आप लोगों ने देखा है मैं रोज़ अपनी प्रॉफिट्स अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं रोज़ अपने अकाउंट्स पे इतना अच्छा कमा लेता हूँ, मेरी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो रही हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर इस चीज़ का देखें आप ख्याल रखें, मेरे पास बहुत सारे मैसेज जमा हुए हैं, मेरा पूरी कोशिश हो रही है, मैं रोज़ के 1 से 2 घंटे दे के सबके रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इतने में रिप्लाई नहीं कर पाता जितने और मैसेज जमा हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं सबको जो है रिप्लाई करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सबको जो है अपना सिस्टम प्रोवाइड भी करूंगा। आज का आगाज करते हैं, आज की मार्केट का देखते हैं, आज की मार्केट हमसे क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास गाइस गोल्ड है, और गोल्ड पे जो है आप लोग अगर जो मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैं हर बार D1 पे जो है एक ये ट्रेड लास्ट में लगाता हूँ, ट्रेड कह रहा हूँ चार्ट, ये चीजें देखें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको टिप्स पे बैठ जाएंगी ये चीजें जो है ना। अच्छा, सबसे पहले गोल्ड अभी भी हमें यहाँ पे बाय में दिख रहा है, मज़ीद 1791, उसके अलावा 1720 तक का जो है वो टारगेट है। H1 जो है और M15 जो है हमें इस वक्त दिखा रहा है कि जैसे आप ये देख सकते हैं गोल्ड एक फिश आई, कुछ लोग कहते हैं इसको फिश आई की शक्ल बना रहा है, और ब्रेक करने पे जो है हम सेल कर सकते हैं इसको जो है, अगर ये बाय की तरफ ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे। और अगर ये सेल की तरफ जो है वो ब्रेक करता है तो हम जो है सेल करेंगे।
गाइस ये हमारी ट्रेड्स हैं, ये आपके सामने देखें कितनी आसानी से, यूँ टाइम लगता भी नहीं है लेवल्स लगाने का। इसलिए मैं कहता हूँ खुद से कोशिश करो सीखने की, बजाय इसके कि हमेशा दूसरों पे डिपेंड हो कि आप लोगों से मदद मांगे, खुद से आप कोशिश करें। ऑर्डर्स में आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ, ठीक हो गया? 1 मिनट दीजिएगा, पहले मुझे मैं एक चीज़ कर लूँ। मेरा असल में पीसी थोड़ा मसला कर रहा है। बाय इफ ब्रेक अपर ट्रेंड लाइन विद स्टॉप लॉस 1759, टेक प्रॉफिट 1675, 75। तो गाइज ये हमारी बाय है, अगर जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, बाय इफ ब्रेक अपर ट्रेंड लाइन विद स्टॉप लॉस 1759 एंड टेक प्रॉफिट 1775, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है सेल इफ ब्रेक बिलो ट्रेंड लाइन विद स्टॉप लॉस 1 7, ओके 6 6 एंड टेक प्रॉफिट 1 7 5 0। ये हमारी जो है सेल की ट्रेड बन गई, सेल इफ ब्रेक बिलो ट्रेंड लाइन जो कि ये है, विद स्टॉप लॉस 1766, टेक प्रॉफिट 1750। अच्छा ये 1750 है टेक प्रॉफिट, मुझे नहीं पता ये किस वजह से ये थोड़ा इशू कर रहा है। अब ये जो ट्रेड हम तीसरी लगाएंगे ये मेन ट्रेंड के अंदर लगाएंगे, बाय लिमिट एट 1745, स्टॉप लॉस 1735, टेक प्रॉफिट 1775। गाइस अच्छा, फर्स्ट सिनेरियो ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन, बाय करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, सेल करेंगे, और यहाँ से हमारी बाय लिमिट स्टार्ट होगी और ये होगा। तो ये जनाब गोल्ड था, उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से मैंने समझाया, आप लोगों को समझ आया होगा। पाउंड पे बहुत अच्छी ट्रेड बनी हुई है, सबसे पहले जो है 0.10 से मैं सेल कर रहा हूँ। आप लोग भी जैसे ही देखें, ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह लाइव वीडियोस जो है आगाज़ हो जाएगा, तो उस पर इतना मसला नहीं हुआ करेगा, आप लोग मेरे साथ ट्रेड कर लिया करेंगे। मुझे इल्म है इस चीज़ का कि आप लोगों से भी बहुत सी ट्रेड मिस होती होंगी। ये मैं इस वजह से लगाइए कि ये थोड़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है, मगर लॉट साइज इसी वजह से मैंने कम रखा है। अच्छा पाउंड में मुझे लगता है कि D1 पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेल का ट्रेंड जो है बरकरार रखा हुआ है पाउंड ने, इसको अगर हम इस तरह से लगाएं,
ये रहा, ये देखिए इस पॉइंट से। तो मेरे ख्याल से मार्केट में अभी पोटेंशियल है और सेलिंग का, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको फर्दर और नीचे जाने के लिए। कुछ इस तरीके से, और यहाँ से फिर ये इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो गाइस इसमें हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया से ऊपर, और करंट पोजीशन पे जो है हम सेल लगाएंगे जहाँ पे भी आपको सेल मिल जाए। मैं लिख भी देता हूँ सेल एट 1.35, ओ सॉरी 3735 स्टॉप लॉस 1.37, सॉरी 3835, और टेक प्रॉफिट 1.3535, 100 pips स्टॉप लॉस और 200 pips टेक प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड अच्छी साबित हो हमारे लिए। और अगले उस पे जाते हैं, अगला हमारे पास GBP JPY है, और GBP JPY पे भी एक जो है काफ़ी दिनों तक ये एक ही जगह पे रहा है। यहाँ पे आज मैं GBP के जितने भी पेयर्स हैं उस पे रिस्क लेने के मूड में हूँ, और इसको भी मैं सेल करता हूँ। स्टॉप लॉस मैं अभी वीडियो के बाद लगा लूँगा ताकि टाइम ज़्यादा मज़ीद ज़ाया ना हो। आप देख सकते हैं कि इस एरिया को ये टेस्ट भी कर रहा है, और मेरे हिसाब से जो है बाइंग होनी चाहिए थी मज़ीद, मगर हम ज़िद नहीं करेंगे कि मेरा दिल ये चाहता था। तो जैसा आपने देखा इस एरिया को ये इस तरह से टेस्ट कर रहा है, यहाँ से सेलिंग और मज़ीद दिख सकती है हमें अगर हम टेक्निकल उस पर देखें। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, वो 1.5030 से ऊपर होगा, और मेरे ख्याल से आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि अगर ये एरिया टूटता है 1.5030 का तो यहाँ से मज़ीद फर्दर जो है बाइंग देखी जा सकती है। फर्स्ट सेल ऑर्डर सेल एट 1.4970 स्टॉप लॉस 1.5035 55 pips टेक प्रॉफिट 1.47070 55 pips का स्टॉप लॉस है, 200 pips का टेक प्रॉफिट है। रिस्क लेने वाली ट्रेड है, ले सकते हैं तो रिस्क तो चलता है, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, पता नहीं इश्क नहीं तो रिस्क नहीं, इस तरह कुछ था। बाय स्टॉप एट 1.50040 स्टॉप लॉस 1.49090 नहीं 5.40 100 pips टेक प्रॉफिट 1.51040 100 pips का स्टॉप लॉस 100 pips का टेक प्रॉफिट, और इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनता है। नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, नेक्स्ट यूरो जेपीवाई है, इसको आज हम स्किप करेंगे क्योंकि जब तक ये इस पे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे कहीं थे हमने कहा था कि यहाँ से आप सेल कर लें और फिर यहाँ से आप बाय कर लिएगा, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही मूवमेंट हो रही है। और कल की आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आपको बताया था कि यहाँ पे ये कर लें वहाँ पे वो कर लें,
और अगर आपने किया होगा मेरी बात को फॉलो, तो आपने सेलिंग में पहले उठाए 50 पिप्स, उसके बाद बाइंग में अभी आप 40 पिप्स पे होंगे। और यूरो यूएसडी को भी मेरे ख्याल से आज हम छोड़ते हैं। अगर ये फिर भी मैं आपको बता दूं कि बल्कि लगा ही लेते हैं, एक स्पेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं, इस एरिया को ब्रेक करेगा तो मजीद फर्दर जाएगा। एरिया है 1.1950 और इस तरीके से, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं इसे अपलोड करूँ, तो ताकि गोल्ड की ट्रेड जो है स्पेशली वो आप लोगों से मिस ना हो। सेल स्टॉप एट 1.1950, स्टॉप लॉस 1.12010, टेक प्रॉफिट। ओके जनाब, 60 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 150 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। और ऑयल के कल हमने बाय दी थी इस एरिया पे, यहाँ पे हमने बाय किया था ऑयल, और वहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन 200 पिप्स के प्रॉफिट में है ऑयल पे। बट बहुत दिनों बाद सिग्नल दिया था और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा हमारा, जिसने देखा, जिसने सॉरी ट्रेड की उस पर। उम्मीद करता हूँ ऑयल पे आप लोगों को अच्छा एक प्रॉफिट हुआ होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऑयल की आज की हमारी जो ट्रेड है वो थोड़ी रिस्की है। कोशिश करें कि ऑयल की ट्रेड जो है वो आप ना लगाएं, फिर भी अगर आपका दिल बहुत चाह रहा हो तो फिर बेशक आप लगा सकते हैं। 100 पिप्स का तकरीबन इसमें, क्योंकि रिस्क बन रहा है। वैसे तो ये कंफर्म ट्रेड है, मगर फिर भी जो है ना ऑयल, बल्कि देख लें आप अपने हिसाब से। बाय लिमिट एट 63.40, स्टॉप लॉस 62.40 और टेक प्रॉफिट 64.40। गला इस वक्त मेरा बैठ रहा है, रोजा भी है और इस वक्त बस हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। ओके गाइस, ये जो है हमारी बाय की ट्रेड है ऑयल पे। आप लोगों ने एक पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, इस तरीके से मार्केट में ऐसे आना है और यहाँ से फिर मजीद। अब ये ठीक हो गया, और ये एरिया जो है 62.50 का जो है ये आपका काम करेगा। अच्छा, हम मजीद नेस्डेक भी शायद ऐड करें अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, और BTC की भी बहुत फरमाइश आ रही है हमारे पास, मगर आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और इसका मैं, क्योंकि मैं क्रिप्टो पे इतना काम नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा BTC का। तो इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा कि BTC और नेस्डेक भी हम अपनी वीडियोस में ऐड करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। रोज़े की हालत में भी आपका भाई लगा हुआ है गला खुश्क होने के बाद, इस बार तो आज तो रोज़ा भी जो है मैंने पानी से पी के रखा है, इतना भी था कि मीटिंग्स थी, लेट फारिग हुए सुबह, फिर आँख नहीं खुल पाई और पानी का एक गिलास जो था वो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आँख उठने में मदद कर दी, मगर अजानें हो रही थी तो बस जल्दी से पानी पिया और रोज़ा रख लिया। ये चलता है वक्त के साथ साथ। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ कल आपसे मुलाकात होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।